राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दर्शकों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि सृष्टि के पालनहार नारायण भगवान का सुदर्शन चक्र, जो सदैव अमोद शस्त्र था, जो भगवान श्री कृष्ण के उग्र रूप का भी परिचायक था, वही अमोघ शस्त्र भी बहुत से योद्धाओं पर विफल रहा। यह परम शक्तिशाली चक्र ने देवताओं की रक्षा व दानवों के संहार में अहम भूमिका निभाई थी। भगवान श्री कृष्ण का यही परम शक्तिशाली चक्र भगवान शिव के त्रिशूल के समान ही शक्तिशाली है। एक बार यह चक्र जब किसी को लक्ष्य बनाकर छोड़ दिया जाए तो उसका काटना असंभव हो जाता है। परंतु हमारे इतिहास में कई ऐसे भी प्रसंग मिलते हैं कि कई बार यह परम शक्तिशाली सुदर्शन चक्र भी विफल रहा है। वो वीर योद्धा कौन थे जिन पर भगवान श्री कृष्ण का यह चक्र अप्रभावी रहा, और इस चक्र के विफल होने के क्या कारण थे, यही जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर एंड लाइक अवश्य करें। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दर्शकों, महाभारत के अनुशासन पर्व के अध्याय 14 में एक जगह आदरणीय भीष्म पितामह और भगवान श्री कृष्ण का संवाद वर्णित है। उसमें भीष्म पितामह बताते हैं कि पूर्व काल में दित्य पुत्र हिरण्यकश्यप नाम का एक असुर उत्पन्न हुआ। उसने सैकड़ों वर्षों तक भगवान भोलेनाथ की कठिन तपस्या कर वरदान प्राप्त किया। सभी लोगों पर अपना अधिपत्य स्थापित कर उसने चारों तरफ तहलका मचा दिया था। उसी दानव का श्रेष्ठ पुत्र मंदार नाम से विख्यात हुआ। वो भगवान शिव का वरदान प्राप्त कर कई वर्षों तक स्वर्ग का अधिपति रहा। देवराज इंद्र से युद्ध करता रहा, तब देवताओं ने श्री हरि की स्तुति प्रारंभ की। देवताओं की स्थिति को सुनकर श्री हर विष्णु क्रोधित होकर अपने सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया, परंतु उस राक्षस पर उस परम शक्तिशाली चक्र का कोई भी असर न हुआ। इंद्र का वज्र भी उस दैत्य को कोई क्षति न पहुंचा सका। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि वह भगवान शिव से वर प्राप्त कर चुका था। वह इतना शक्तिशाली था कि मंदार के शरीर व सैकड़ों वज्र व सुदर्शन चक्र जैसे महाशक्तिशाली हथियार भी उसको क्षति नहीं पहुंचा सकते थे। देवी भागवत के स्कंद के 5 के 6 अध्याय के अनुसार जब सभी देवताओं का महिषासुर जैसे महापराक्रमी दैत्य से युद्ध चल रहा था, उस समय महिषासुर का सेनापति अंधकासुर भगवान श्री हरि के समक्ष जाकर उनके ऊपर बाणों की बौछार करने लगा। भगवान विष्णु ने उसके सभी बाणों को काट कर निरस्त कर दिया और श्री हरि ने उस दानव पर कई प्रहार किए। यह भयंकर युद्ध श्री हरि और अंधकासुर के मध्य कई दिनों तक चलता रहा। इसी बीच अंधकासुर ने भगवान श्री हरि के वाहन गरुड़ पर अपनी गदा से तेज प्रहार कर गरुड़ को बुरी तरह से घायल कर दिया। तब भगवान श्री हर ने अपने सारंग धनुष से उस दानव पर कई बाण छोड़े। तब अंधकेश्वर ने भगवान के समस्त बाणों को काट दिया। भगवान विष्णु के हजार अरबों वाला महाशक्तिशाली सुदर्शन चक्र अंधकासुर को लक्ष्य बनाकर छोड़ा, परंतु अंधकासुर ने उस चक्र को अपने किसी शक्तिशाली अस्त्र से उसे समीप आने से पहले ही विफल कर दिया। सुदर्शन चक्र को विफल देखकर सभी देवताओं में शोक की लहर दौड़ गई। तब भगवान श्री हर ने अंधक पर अपनी कौमोद की गदा से प्रहार किया। गदा के प्रहार से वह दैत्य पूर्ण रूप से मूर्छित होकर जमीन पर धराशायी हो गया। वाल्मीकि रामायण के आरण्य कांड के सर्ग 32 में कहा गया है कि जब देवासुर संग्राम में देवताओं और रावण के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था, तब कई दिव्यास्त्र सहित भगवान श्री हर ने सुदर्शन चक्र भी चलाया। हालांकि नीचे यह भी लिखा गया है कि भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र न होकर यह कोई अन्य चक्र था। इस बात की पुष्टि वाल्मीकि रामायण के सुंदर कांड के सर 10 में भी यह बात मिलती है। श्री हरि का वो परम शक्तिशाली चक्र रावण पर विफल हुआ था। जब हनुमान जी ने लंका में प्रवेश किया,
तब हनुमान जी ने देखा कि रावण अपने कक्ष में सो रहा है। जब हनुमान जी रावण के समीप पहुंचे तो उन्होंने देखा कि रावण की भुजाओं पर ऐरावत हाथी के दांतों से दिए गए घावों के निशान हैं। उसके कंधों पर देवराज इंद्र के वज्र व श्री हर के सुदर्शन चक्र के द्वारा दिए गए घावों के निशान अंकित हैं। दर्शकों, उस परम शक्तिशाली महारावण ने ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या कर वर प्राप्त किया था कि किसी भी देव गंधर्व व राक्षस के हाथों से उसकी मृत्यु न हो। मनुष्यों को तो वह कुछ समझता ही नहीं था, इसलिए रावण ने ब्रह्मा जी से प्राप्त वर में मनुष्य को शामिल नहीं किया। यही वजह थी कि इतने शक्तिशाली प्राणघाती अस्त्र शस्त्र भी उसके लिए प्राणघाती साबित न हुए। पूर्व पुराण के पूर्व अध्याय 14 के अनुसार जब दक्ष प्रजापति के यज्ञ को भंग करने के लिए भगवान शिव ने वीरभद्र को भेजा, तब सर्वप्रथम वीरभद्र जी ने आदर पूर्वक वहां उपस्थित सभी देवों सहित ऋषियों से कहा, भगवान शिव अव्युदय शक्तियों को प्रदान करने वाले हर यज्ञ अनुष्ठान आदि में पूजा करने योग्य हैं। लगता है आप लोगों का मन शायद तमोगुण से आक्रांत हो गया है, जो आप महेश्वर जी का पूजन नहीं कर रही हो। शंकर के बारे में वीरभद्र के ऐसा कहने पर भी किसी ने इस बात पर गौर नहीं किया और सभी अपने अपने स्थानों पर चले गए। यह देख क्रोधित होकर वीरभद्र जी बोले, तुम लोगों ने बल के गर्व के कारण मंत्रों को प्रमाण नहीं माना, इसलिए आज मैं अपने बल का प्रयोग कर सभी के गर्व को नष्ट कर दूंगा। ऐसे कहते ही वीरभद्र जी ने यज्ञशाला को जलाकर तहस नहस कर दिया। देवराज इंद्र के उठे 100 हाथों को स्तंभित कर दिया। अग्नि चंद्र आदि सभी देवताओं की बुरी दशा कर दी। उन्होंने अपने पैरों से ऋषि मुनियों के मस्तक पर प्रहार किया। साथ ही महाबली वीरभद्र ने सुदर्शन चक्र को स्तंभित कर गरुड़ पर आते देख भगवान श्री हर विष्णु को तीज बाणों का प्रयोग कर घायल कर दिया। दक्ष प्रजापति के यज्ञ को नष्ट करने का वृतांत हर एक पुराण में थोड़ा भिन्न जरूर है। यह सब कल्प भेद के कारण होता है। यह वृतांत पूर्व पुराण से लिया गया है। भिन्न पुराणों से यह ज्ञात होता है कि भगवान श्री हर का सुदर्शन चक्र अमुक योद्धाओं पर पूर्णतः वर प्राप्ति के कारण विफल रहा। दर्शकों, ये था भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र विफल होने का कारण। अगर आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।